Richa, you've been known to do things differently. What do you think the audience can expect that's sort of different from Inside Edge? I've always kind of played characters that are unusual. So even though this is the most complex character I have had to play as of yet, it's still somewhat normal as compared to like a really angry Bholi Punjaban or things like that. So in that sense, it's kind of normal, and I've played an actor for the first time. So being a performer yourself, you know, there's lots of fodder there that we can use. We can play with our insecurities and give people a peek into our lives. So I've tried to do that. Let's see how convincing it is. Richa, if I'm not wrong, aap fil- Hi. If I'm not wrong, आप फिल्म में एक टीम ओनर बनी हैं और आपके बारे में भी चर्चा आपके कैरेक्टर को लेकर भी चर्चा हो रही है कि एक रियल लाइफ एक्ट्रेस पे बेस्ड है आपका कैरेक्टर तो कुछ बताएंगी अभी तो इन्होंने बोला इन्होंने ट्वीट भी किया था दो तीन दिन पहले फिक्शनल शो है स्क्रिप्ट राइटर्स को भरपूर पैसे मिले थे कहानी कहने के लिए तो उन्होंने असली एक कहानी अपनी फिक्शनल अकाउंट की लिखी है बहुत मेहनत करके सो ऐसा कुछ नहीं है जाहिर सी बात है कि एक एक्ट्रेस प्ले कर रही हूँ जो हु ओन्स अ टीम तो थोड़ा कंपैरिजन होना आई गेस गेस वर्क होता ही है पर ऐसा कुछ है नहीं मैं ये नहीं चाहती कि आप जब सीरीज देखने लगे फिर लगे अरे यार ये तो वो नहीं है इट्स नॉट बेस्ड ऑन अ रियल सिचुएशन इट्स अ कम्प्लीटली फिक्शनल शो और काफ़ी एंटरटेनिंग है बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है मैं बस कहने वाली थी कि इसलिए हमने साफ साफ लिखा है ओरिजिनल Amazon ओरिजिनल Inside Edge सो नो इट्स अ फिक्शनल इंटरप्रिटेशन रिचा जी तो हम ऐसा माने कि क्योंकि आप प्रोड्यूसर भी हैं ब्यूटीफुल एक्टर भी हैं तो हम ऐसा माने कि इन फ्यूचर आप IPL को परचेस करेंगे IPL की टीम को खरीदेंगे आप स्पॉन्सर आप हैंडसम भी हैं अकलमंद भी हैं क्या हम ऐसा माने कि आगे चलकर आप भी अपना कोई न्यूज चैनल शुरू करेंगे Not yet. I just play different characters. अगर ये असलियत होती तो फिर मैं फुकरे की तरह गुंडी बन जाती अब तक या नगमा की तरह बुढ़ा जाती आप समझ रहे हैं ये एक कैरेक्टर है इसको करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि इनको जोक अभी समझ में आया शायद सो आई गेस ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एक्टर्स की लाइफ में बहुत कुछ होता है हम अभी प्रोडक्ट की तरह आपके सामने पैकेज प्रेजेंटेड है इसका बिहाइंड द सीन्स क्या आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेट का कनेक्शन जो सालों सालों से एक रोमांस चल रहा है वो सब देखने को मिलेगा इसलिए मुझे लगता है काफ़ी दिलचस्प होगा इनफैक्ट जब मैं पढ़ रही थी जब मेरे पास पहली बार स्क्रिप्ट आई थी तो मैंने सोचा था कि 40-45 to 50 मिनट्स का एक एपिसोड होगा तो मैं एक पढ़ूंगी फिर थोड़ा ब्रेक लेके कुछ और काम करूँ पर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने पहले 6 एपिसोड एक साथ पढ़ डाले और उसके बाद मैंने करण को मैसेज करना शुरू किया कि हैव यू रिटन एपिसोड 7, 8, 9 में क्या होता है वो उसके घर जाता है कि नहीं जाता है वो जिंदा है कि मर गया इस टाइप की चीज़ें सो वो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है कि अब एज इंडियंस हुआ ग्लोबल हम लोग ट्रैवल करते हैं हमारे पास इंटरनेट है इतने सारे ऑप्शंस हैं एक ओरिजिनल कंटेंट हमें अपनी कहानी देखने को मिलेगी इंस्टेड ऑफ जस्ट रिलाइंग ऑन से मे बी अमेरिकन और फ्रेंच और ब्रिटिश शोज़